सुलेमान नगर में वाके वार्ड 57 में बलती मसाइल की अनदेखी करने और अपनी जिम्मेदारी से लापरवाह मुदालिखा बल्दी ओहदेदारों का फौरन तबादला करने GHMC कमिश्नर से वार्ड मेंबर मोहम्मद ताहिर का मुतालबा। पेश है खबर की तफसील। इलाके सुलेमान नगर में वाके वार्ड 57 में मुखामी अवाम को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ड्रेनेज सिस्टम की खराबी की वजह सड़क पर गंदा पानी मुसलसिल बह रहा है। इलाके में ताफून की वजह अवाम को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही है। मुखामी अवाम ने बल्दी ओहदेदारों को तवज्जे दिलाई पर बल्दी अमला लापरवाही का मुजाहरा करते हुए सिर्फ तयनात से काम ले रहा है, जबकि सड़क पर मैनहोल खुला पड़ा हुआ है, जो कभी भी रास्ता चलने वाले राहगीर हादसे का शिकार हो सकते हैं। लगता है GHMC हादसे का इंतजार कर रही है, जबकि इलाके में कई जगह ड्रेनेज सिस्टम फेल होने की वजह पानी सड़कों पर बह रहा है। बहरहाल वक्त रहते हुए मसले का हल ना निकले तो इलाके में वबाई अमराज फूट पड़ने का खतरा पैदा हो सकता है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वार्ड मेंबर मोहम्मद ताहिर ने कहा, तो नाज़रीन देखते रहिए और सुनते रहिए आपकी आवाज़, यानी AFJ न्यूज़। रिपोर्टर मोहसिन खान के साथ चीफ एडिटर जावेद की ये रिपोर्ट। GHMC कमिश्नर साहब को ये बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग बड़े बड़े वायदे करते हैं कि स्वच्छ हैदराबाद, स्वच्छ तेलंगाना के बारे में बोलते हैं, लेकिन आज हमारे वार्ड के अंदर सैनिटेशन का इतना प्रॉब्लम है कि बेसिक आप देखते हैं कि यहाँ पर स्लिप छाड़ने वाले भी बराबर टाइम पे नहीं आ रहे। सबसे पहले AHMO की बात सुपरविज़र नहीं सुनता, सुपरविज़र की बात हमारे SFA नहीं सुनते, SFA की बात हमारे स्वीपर्स नहीं सुनते। तो ये एक सिस्टम है कि ये हमारे महेंद्रनगर म्यूनसिपाल्टी के अंदर इतना नागारा काम चल रहा है। तो सबसे पहले मैं कमिश्नर साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि ये जितने भी वर्कर्स हैं इनको यहाँ से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करें, दूसरी जगह के वर्कर्स यहाँ पर ट्रांसफ़र करें, क्योंकि ये पिछले 10-12 साल से यही वर्कर यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो इनको एक आदत ही पड़ गई है कि कुछ भी काम जब हम बोलते हैं तो काम को ईजी लेते हैं। और ख़ास करके मुझे ये महसूस होता है कि ये वार्ड MIM के कॉरपोरेटर रहने की वजह से इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, कोई स्वीपर्स की बात नहीं सुन रहे। और ख़ास करके हमारे जितने भी इब्तदाई सदस्य हैं उनकी बात तक यहाँ उनकी बात भी कोई ऑफिसर नहीं सुन रहा है। कोई अगर जाकर कंप्लेंट करता है हमारा हमारे एरिए के जो भी सदर मोहतमंद जो भी कंप्लेंट करने के लिए जाते हैं तो उनकी बात भी कोई वर्कर भी नहीं सुन रहा है, यहाँ तक कोई ऑफिसर भी नहीं सुन रहा है। तो इस तरह से निगलेक्ट किया जा रहा है हमारा सुलेमान नगर वार्ड को। मैं मीडिया के जरिए आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि मीडिया के सामने ये बात रख रहा हूँ कि राजेंद्रनगर म्यूनसिपाल्टी को के जितने भी सैनिटेशन के वर्कर्स हैं उनको यहाँ से तबादला करके दूसरी तरफ डाले, दूसरी तरफ के वर्कर्स को यहाँ पर डाले, बहुत अच्छी बात होती है। और ख़ास करके मैं कमिश्नर साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि जो वाटर वर्क्स ये सैनिटेशन का प्रॉब्लम ये वाटर वर्क्स को अगर हैंडओवर कर देंगे तो यहाँ पर जो ड्रेन लाइन का जो प्रॉब्लम चल रहा है, तो ख़ास करके ड्रेनेज का जो सिस्टम है यहाँ पर, ये हिल्स एरिया में रहने की वजह से यहाँ पर टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत होता है। तो इन लोगों को साफ़ करने के लिए उन लोगों को टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं मालूम हो रहा है, क्योंकि GHMC के जो भी लेबर हैं वो स्लीपर्स हैं, वो झाड़ने वाले हैं, उनको सैनिटेशन का और ड्रेन लाइन का कुछ भी तजुर्बा नहीं है। इसकी वजह से ये हमें बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और ख़ास करके हमारे पास एक एटेक मशीन है, पूरे राजेंद्र नगर जोन के अंदर एक एटेक मशीन है जो 5 वार्ड को संभालना पड़ता है। अगर एक कंप्लेंट के लिए हम जब एक सुलेमान नगर के वार्ड के लिए कंप्लेंट करते हैं तो हमारा नंबर कम से कम 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के बाद आता है, इससे एक कंप्लेंट नहीं बल्कि 10-12 कंप्लेंट जमा हो जाते हैं। तो मैं ख़ास करके कमिश्नर साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि हमारे पास एटेक मशीनों का भी 1-2 एटेक मशीन भी यहाँ पर लगाएँ, और साथ ही साथ
तो सैनिटेशन के जितने भी लेबर हैं उनको भी यहाँ पर अच्छे टेक्निकल लेबर्स को यहाँ पर रखे, मतलब मेरी गुजारिश है। खुदा हाफिज़।